स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती कीर्ति कोमा में है और अब सभी घरवाले उसके ठीक होने के लिए महामृत्युंजय पूजा करने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कीर्ति के कोमा में जाने की असली वजह क्या है? आखिर क्यों कोमा में चली गई है कीर्ति? वाले इस सवाल के जवाब में आप यकीनन यही कहेंगे कि शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए मेकर्स ने इस ट्विस्ट की प्लानिंग की है। वह हाँ, कुछ हद तक तो आप सही भी हो सकते हैं। लेकिन अब हमें ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कीर्ति के कोमा में जाने की असली और पक्की वाली वजह पता चली है। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है कोमा वाले इस ट्रैक का असली कारण। तो सुनिए, दरअसल कीर्ति यानी एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं और इसी वजह से उन्हें शो में कोमा में भेजा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले 2 महीनों में मोहिना शादी कर लेंगी और फिर शादी के बाद वो टीवी से लंबा ब्रेक लेने की तैयारी भी कर चुकी हैं। ऐसे में उनकी इसी लंबी छुट्टी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने शो की स्टोरी लाइन में ये बड़ा बदलाव कर दिया है। यानी आप ये मानकर चल सकते हैं कि कीर्ति कोमा से शो में अभी हाल फिलहाल तो वापस नहीं आएगी। वैसे अगर बात करें मोहिना की तो वो मध्य प्रदेश के रीवा की राजकुमारी हैं। पिछले साल ही गुपचुप तरीके से मोहिना का रोका होने की खबर भी आई थी। हालांकि उस पर अभी तक मोहिना ने चुप्पी साध रखी है, जबकि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं जिसमें मोहिना के साथ एक शख्स नजर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल राजकुमार जैसे ही लग रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसी शख्स के साथ मोहिना की शादी फिक्स हो चुकी है और अब जल्द ही ये दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। वल तो अब इस खबर में क्या सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर सच में मोहिना ने शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो ऐसे में ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या शादी के बाद वो वाकई शो से लंबा ब्रेक लेंगी या फिर इस शो को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहेंगी। लेकिन कुछ भी हो, दोनों ही सूरतों में मोहिना के फैंस का दिल जरूर टूट जाएगा क्योंकि उनके फेवरेट स्टार उन्हें पर्दे पर दिखाई जो नहीं देगी। तो अब इस खबर पर क्या है आपका रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप भी बताइए।